यस फ्रेंड्स, दोस्तों अब मैं लिखता हूँ ये नाड़ी दोष। नाड़ी दोष में क्या होता है, नाड़ी दोष किसे कहते हैं और किस तरह से ये मैरिज मैचिंग के केस में, यानी जब मैचिंग करते हैं मैरिज की हॉर्स को मिलाते हैं मैरिज पर्पस के लिए, है ना, बाय ब्राइड एंड ब्राइड रूम का दूल्हा दुल्हन का, तो उस केस में कैसे नाड़ी मिलाते हैं, नाड़ी दोष क्या होता है और ये किस तरह से काउंट किया जाता है, इसके अंदर क्या डिस्कशन किया जाता है। सबसे पहली बात होती है कि दोनों के जो नेटल मून्स होते हैं, यानी जन्म कुंडलियों में जहाँ भी मून साइन होता है या मून का नक्षत्र होता है, मून किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, साइन में हमने साइन के बारे में डिस्कस किया इससे पहले वाले पॉइंट में, कूट में, सेवंथ कूट में क्या होता है, भकूट कूट और राशि कूट, उसमें राशियाँ देखी जाती थी किस साइन में किस राशि में कोई भी दोनों के ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम के नक्षत्र और मून बैठे हुए हैं, नेटल मून्स किन किन राशियों में बैठे हुए हैं वो राशि कूट बोलते थे, सेवंथ हुआ। अब ये है, इसमें नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये नक्षत्र नाइन नक्षत्र नाड़ियों में रखे जाते हैं, तीन नाड़ियाँ होती हैं, आदि मध्य एंड अंत नाड़ी, आदि नाड़ी मध्य नाड़ी अंत नाड़ी, तीन नाड़ियाँ होती हैं, तीन नाड़ियों में नौ नक्षत्र रखे जाते हैं, नाइन नक्षत्र। इस तरह से नक्षत्रों की प्लेसिंग होती है, प्लेसमेंट की जाती है इन नाड़ियों के अंदर, वो मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद में मैचिंग कैसे करते हैं, मैचिंग टेबल है, सेम नाड़ी अगर मिलती है तो दोष हो जाता है, इसके अंदर नाड़ी दोष, जब दोनों की सेम नाड़ी मिल जाती है यानी दोनों के नक्षत्र एक ही नाड़ी में पड़ते हैं उसे नाड़ी दोष बोलते हैं, आद नाड़ी हो या मध्य नाड़ी हो अंत नाड़ी हो, इनके इन दोषों से नुकसान क्या होता है, अगर आद नाड़ी पड़ती है, आद नाड़ी दोष है यानी दोनों की सेम नाड़ी आद नाड़ी है, दोनों के नक्षत्र यानी ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम के नक्षत्र जिन नक्षत्रों में पड़े हुए हैं, जिन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, तो वो नक्षत्र अगर सेम नाड़ी आदि नाड़ी में पड़ते, जैसे आदि नाड़ी में क्या नक्षत्र, अश्विनी है, आद्रा है, पुनर्वसु, इनमें से एक का नक्षत्र अश्विनी है, सब कुछ दूसरे का पुनर्वसु है या आद्रा है, तो ये आदि नाड़ी हो गई, दोनों की आदि नाड़ी में मून पड़ रहे हैं, इसका मतलब आदि नाड़ी दोष, दोनों की नाड़ी सेम है, इसे कहते हैं आदि नाड़ी दोष, है ना, नाड़ी दोष, तो नाड़ी दोष हो गया, नाड़ी दोष में जीरो पॉइंट मिल गए, पॉइंट जब नाड़ी दोष होता है सेम नाड़ी के लिए, दोनों की सेम नाड़ी पड़ रही है यानी आदि नाड़ी है या मध्य नाड़ी है या अंत नाड़ी है, तो इसके लिए काउंटिंग या पॉइंट जीरो मिल जाती है, कोई पॉइंट नहीं मिलता, जीरो नल पॉइंट मिलता है, ठीक है। अगर नाड़ी डिफरेंट है, एक का आदि है दूसरे की मध्य है, पहले की आदि है दूसरे की अंत है, या पहले की मध्य है यानी ब्राइड की ब्राइड ग्रूम की अंत नाड़ी है या आदि नाड़ी है, तो भी आठ पॉइंट मिल जाते हैं, 8 पॉइंट इसकी मैक्सिमम काउंटिंग होती है, 8 पॉइंट जाते हैं क्योंकि ये नाड़ी 8 पॉइंट की होती है, लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट। जैसे हमने कहा था जो आठ गुण थे आपके, पहला था वर्णकूट, सेकंड था वशीकूट, थर्ड था ताराकूट, चौथा था योनिकूट, पांचवा था ग्रह मैत्रीकूट, छठवा था गणकूट, राइट, गण के लिए हम 6 पॉइंट देते हैं, देन सेवंथ था बकूटकूट और राशिकूट, भकूट कूट या सेवन पॉइंट राशि कूट कूट इसके 7 पॉइंट होते थे, अब 8 पॉइंट है ये नाड़ी कूट, इसके लिए नाड़ी कूट में 8 पॉइंट होते हैं, 8 पॉइंट कब मिलते हैं, दोनों की नाड़ी डिफरेंट होती है, नाड़ी क्या होती है, दोनों की हमें नक्षत्र देखने होते हैं कि दोनों के मुंह ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम के मुंह कहाँ बैठे हुए, किस किन किन नक्षत्रों में बैठे हुए, दोनों की एक डिफरेंट नक्षत्र है और दोनों नक्षत्र किस नाड़ी में पड़ते हैं, जैसे ये जो अभी काउंटिंग करता हूँ नौ नक्षत्र के आदि नाड़ी में, आदि डबल ए डी आई आद्य ऐसे लिखते हैं या ए डी वाई आद्य, बट आद्य की जगह पर आदि वर्ड होता है, प्रॉपर संस्कृत वर्ड है डबल ए डी आई आदि, और आदि नाड़ी मध्य नाड़ी अंत्य नाड़ी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कह सकते हैं या आदि मध्य एंड अंत्य, कोई इसका आदि नहीं है, आदि मीन्स बिगिनिंग, मध्य मीन्स मिडिल और एंड, अंत मीन्स एंड, कोई इसका आदि नहीं है मीन्स बिगिनिंग नहीं है और आदि और अंत मीन्स कोई एंड नहीं है, इसका आदि नहीं है कोई अंत नहीं है, मिडिल तो है ही नहीं फिर बीच में, क्योंकि आदि जब नहीं है अंत नहीं है तो कोई मिडिल होगा ही, लेकिन ये तीन टाइप की नाड़ियाँ होती हैं आदि मध्य अंत, तीनों नाड़ियों में नौ नक्षत्र पड़ते हैं। अब नक्षत्रों की हमें देखनी है कि दोनों के मून किन किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, उसकी हम क्या फैक्ट्स होते हैं नाड़ियों के बारे में वो मैं अभी बताऊँगा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट वाला, जिसमें 8 पॉइंट मिलते हैं नाड़ी दोष बोलते हैं, नाड़ी दोष में सेम नाड़ी हो तो नाड़ी दोष हो जाता है, दोनों की नाड़ी सेम पड़ती है तो इसको नाड़ी दोष बोलते हैं, ठीक है। अगर नाड़ी डिफरेंट है, एक ही आद है
दूसरे की मध्य है या एक की आध है और ब्राइड की, इसके एक या दो पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम ले रहे हैं या ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड ले रहे हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट ले सकते हैं आप। जैसे हमने ये टेबल बना दिया, सेम नाड़ी के लिए 0 पॉइंट मिलता है, तो ये जो डायगनल पॉइंट है वो 0-0 पॉइंट है, क्योंकि आधे आधे मध्य मध्य अंत अंत, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों के तीन पॉइंट्स हैं, आधे आधे मध्य अंत दोनों की नाड़ी, 3 नाड़ियाँ हैं, 3 नाड़ियों में से सेम नाड़ी पड़ती 0 पॉइंट है, आधे आधे के लिए मध्य मध्य के लिए और अंत अंत के लिए 0-0 पॉइंट दे दिए। लेकिन आधे नाड़ी ब्राइड की है, ब्राइड ग्रूम की नाड़ी मध्य 8 पॉइंट, ब्राइड ग्रूम की नाड़ी अंत है या ब्राइड की नाड़ी पहली वाली है आधे, तो आधे अंत 8 पॉइंट, आधे मध्य 8 पॉइंट, आधे आधे 0 पॉइंट। इस तरह से हम ये टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल में इस तरह से पॉइंट दिए जाते हैं, आधे पहली सॉरी सेकंड मध्य नाड़ी ब्राइड की है, उसकी आधे नाड़ी है ब्राइड ग्रूम की, तो 8 पॉइंट हो, लेकिन मध्य मध्य 0 पॉइंट, मध्य अंत 8 पॉइंट, देन अंत नाड़ी एंड आधे आधे नाड़ी मध्य अंत नाड़ी किसकी है, ब्राइड की, और ब्राइड ग्रूम की पहली नाड़ी है आधे नाड़ी, तो अंत एंड आधे नाड़ी के लिए 8 पॉइंट, अंत एंड मध्य नाड़ी के लिए 8 पॉइंट, लेकिन अंत अंत 0 पॉइंट। इस तरह से ये टेबल तैयार हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं नक्षत्र किस तरह से तीनों नाड़ियों में रखे जाते हैं। देखिए काउंटिंग करते हैं, पहला नक्षत्र फर्स्ट सेकंड थर्ड, आधी नाड़ी मध्य नाड़ी अंत नाड़ी, तो 3 नक्षत्र हमने इस तरह से एक एक करके तीनों में रख दिए। लेकिन चौथा नक्षत्र नेक्स्ट लास्ट वाले में ही आएगा, तो फर्स्ट 1 2 3 4 3 4 दोनों नक्षत्र अंत नाड़ी तीसरी नाड़ी में आएंगे। जैसे कृतिका नक्षत्र है कृतिका, और उसके बाद में रोहिणी, कृतिका रोहिणी, चौथा नक्षत्र रोहिणी, तो रोहिणी एंड कृतिका दोनों ही अंत नाड़ी में आएंगे। अब इसके बाद में फिर मध्य में आएगा, इसके आगे का रोहिणी के बाद में मृगशिरा आता है, मृगशिरा देन पुनर्वशु एंड पुष्य, पुनर्वशु एंड पुष्य सॉरी आर्द्र, आर्द्र एंड पुनर्वशु, मृगशिरा के बाद में आर्द्र आता है छठवा नक्षत्र, आर्द्र एंड पुनर्वशु दोनों एक साथ आ गए। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 अश्लेषा एंड मघा 10, मघा इज 10 नंबर, 10th नंबर मघा। उसके बाद फिर आएगा पूर्व फागुन सॉरी जिस मघा, देन पुष्य उत्तर फागुन सॉरी पूर्व फागुन था, पूर्व फागुन उत्तर फागुन हस्त चित्र स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठ मूला पूर्व आषाढ़ उत्तर आषाढ़ श्रवण धनिष्ठा सतविशा पूर्व भाद्रपद, या पूर्व भाद्रपद ही आएगा, पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद एंड रेवती। इस तरह से 27 नक्षत्र हो जाते हैं। मतलब इसका काउंटिंग सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 फर्स्ट वाले में, देन 8 9 10 लास्ट वाले में, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 देवती नक्षत्र लास्ट में, देवती नक्षत्र तीसरी वाली। इस तरह से हम दो दो कंटिन्यूसली तीसरी के बाद में छठवें के बाद में छठवा सातवें ऐसे रख देते हैं, ठीक है। चौथा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां फिर आठवां नवा दसवां ग्यारहवां बारहवां तेरहवां चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस एंड सत्ताईस लास्ट में 27। एक नक्षत्र रह गया इसलिए लास्ट में नेक्स्ट वाला नहीं लिखते क्योंकि 28 नक्षत्र नहीं है इसके। हालांकि नक्षत्र 28 हम बीच में एक काउंट और कर लेते हैं जिसे हम अब इस नक्षत्र बोलते हैं, वो 22nd नक्षत्र होता है 21st के बाद में, पूर्व आषाढ़ और श्रवण दोनों नक्षत्रों में से निकाल निकाल के एक क्वार्टर पहले वाले का और 1/15th पार्ट श्रवण नक्षत्र का दोनों को मिला के हम अभी नक्षत्र 28 में आते हैं। लेकिन वो योनि कूट में मिलाते थे, 28 नक्षत्र वहाँ चाहिए, दो दो नक्षत्रों को मिला के
हम एक योनि बनाते थे, 14 योनियाँ होती हैं, 14 योनि में 2 नक्षत्र के लिए 28 नक्षत्र चाहिए, इसलिए वहाँ पर हम 28 नक्षत्र यानी 22 नक्षत्र ऑल इन्हीं एंगल में से, टोटल ब्रेथ तो वही है 360 डिग्री की, टोटल ब्रेथ 360 डिग्री की होती है, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 360 डिग्री आएगा। उन्हीं 360 डिग्री में से 22 नक्षत्र जो अभिजीत नक्षत्र होता है, अभिजीत, उसको हम उसी में से बना देते हैं। 21 और 22 नक्षत्र में से एक नक्षत्र और बना देते हैं अभिजीत नक्षत्र, उसे 22 बोल देते हैं। इस तरह से 28 नक्षत्र यहाँ हो जाते थे जो कि योनि केस में हम कंसीडर करते थे, क्योंकि यहाँ 27 नक्षत्र ही लेते हैं, ठीक है। 9 नक्षत्र तीनों में रख देते हैं। 9 नक्षत्र रखने का ये तरीका, जैसे हमने बताया आपको कि चौथा ये 3 4 काउंट ऐड करते हैं, फिर 5 6 7 यहाँ ऐड कर देते हैं, फिर 8 9 10 यहाँ करते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, इस तरह से नक्षत्र 27 हो जाते हैं। इनके नाम अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी वृषा आर्द्रा पुण्यपशु पुष्य अश्लेषा मघा पूर्वानी उत्तरानी हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्व आषाढ़ उत्तर आषाढ़ श्रवण धनिष्ठा शतविषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती, इस तरह से 27 नक्षत्र हो जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सो इस तरह नाड़ी, तीन नाड़ियाँ हो जाती हैं, तीन नाड़ी में 9 नक्षत्र इस तरह से ऐड किए जाते हैं, रखे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि नाड़ी दोष अगर हो गया तो उसकी क्या वो है, इफ एंड बट्स क्या है। सपोज करो दोनों की सेम साइन है, सेम साइन है, हमने पहले लिखा है ये बोथ हैव द सेम सेम साइन, सेम राशि है दोनों की, सेम राशि लेकिन नक्षत्र डिफरेंट है, तो नाड़ी दोष ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब नाड़ी दोष नहीं माना जाता, नाड़ी दोष को हम निगलेक्ट कर देते हैं शादी के लिए, वो कह देते हैं भाई ये मैरिज हो सकती है, इसमें नाड़ी दोष तो है लेकिन नाड़ी दोष ये निगलेक्टेड है, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन सेम था लेकिन नक्षत्र डिफरेंट है, नक्षत्र डिफरेंट है। जैसे हमने यहाँ लिया एग्जाम्पल नक्षत्र लाइक जैमिनी, साइन इज सेम जैमिनी जैमिनी, एक नक्षत्र इसमें दोनों दो पड़ते हैं नक्षत्र, कौन कौन से, आर्द्र नक्षत्र और पुण्यवशु, देखिए आर्द्र नक्षत्र और पुण्यवशु नक्षत्र इसमें आते हैं आर्द्र नाड़ी में, फर्स्ट नाड़ी में पड़ते हैं, नाड़ी दोष है ये क्योंकि दोनों के नक्षत्र सेम ये इसी में पड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की साइन सेम था, दोनों का सेम साइन है, नक्षत्र डिफरेंट है, इसलिए ये जो दोष है आदि नाड़ी दोष ये माना नहीं जाता है, मतलब 0 पॉइंट तो मिलेगा, पॉइंट तो 0 ही होंगे लेकिन ये नाड़ी दोष ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, इसकी मैलिफिसेंस डिग्री हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है, ठीक है, इसलिए आदि नाड़ी दोष यहाँ केस में नहीं लगता। अगर मतलब इसका ये हुआ सेम साइन हो लेकिन डिफरेंट नक्षत्र हो तो नो नाड़ी दोष नहीं लगता, ठीक है, मैरिज को हम ओके कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर सेम नक्षत्र हो, नक्षत्र सेम हो लेकिन साइन डिफरेंट हो, राशियाँ डिफरेंट हो, मून अगर सेम नक्षत्र में बैठे हों दोनों, लेकिन दोनों ही कभी भी नक्षत्र क्या होता है, एक नक्षत्र दो साइन में नक्षत्र पड़ जाता है, जैसे एरीज में और भर एरीज और टॉरस, एरीज मतलब पहली राशि क्या होती है, मेष राशि, देन वृष राशि, मेष वृष यानी एरीज एंड टॉरस, इसमें कृतिका नक्षत्र पड़ता है, कृतिका नक्षत्र का 3 डिग्री 20 मिनट पहले साइन में एरीज में पड़ जाता है, 10 डिग्री अगली जो 10 डिग्री होती है, क्योंकि टोटल 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, तो क्योंकि पहला जो नक्षत्र है अश्विनी एंड भरणी दोनों नक्षत्र दोनों के 13 डिग्री 20 मिनट योगा 26 डिग्री 40 मिनट, अब क्योंकि एक साइन में 30 डिग्री होता है टोटल, तो अभी इसमें 3 डिग्री 20 मिनट और बचता है, अगर 3 डिग्री 20 मिनट बचता है, ये 3 डिग्री 20 मिनट कृतिका नक्षत्र का थर्ड नक्षत्र का इसी में पड़ेगा, इसी एरीज साइन में, लेकिन बाकी जो 10 डिग्री बचे क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट होता है, 3 डिग्री 20 मिनट हमने यहाँ रख दिया एरीज साइन में, और बाकी जो नेक्स्ट 10 डिग्री बचते हैं वो अगले साइन में अगली राशि में पहुंच जाएगा, भरने किस में, टॉरस साइन में और वृष राशि में, तो वृष राशि में 10 डिग्री पड़ेगा कृतिका नक्षत्र का, पहला जो चरण था 3 डिग्री 20 मिनट का वो पहली साइन में पहली राशि में पड़ गया, पहली राशि क्या है एरीज साइन और एरीज राशि और एरीज साइन और मेष राशि, तो मेष राशि और वृष राशि दोनों में कृतिका नक्षत्र पड़ता है, तो नक्षत्र दोनों के डिफरेंट है लेकिन साइन सेम है,
सेम साइन होते हुए नक्षत्र डिफरेंट होते हुए, नक्षत्र यहाँ पर सेम है, कृतिका कृतिकांत दोनों का एक ही है, अंत नाड़ी का दोष है भाई, लेकिन यहाँ साइन दोनों के डिफरेंट होंगे। यानी साइन यहाँ पर क्या पड़ रहा है, एरीज एंड टॉस, एरीज मेष राशि एंड वृष राशि दोनों की डिफरेंट राशियाँ पड़ रही हैं, नक्षत्र सेम है, दोष है नाड़ी दोष, लेकिन ये नाड़ी दोष निगलेक्टेड किया जाता है, नहीं माना जाता, ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता लाइफ को, ठीक है, इसको हम ओके कह सकते हैं गैरेज को। अब आते हैं नेक्स्ट, सॉरी देन सेम, तो सेम नक्षत्र एंड बट डिफरेंट साइंस, जैसे हमने कृतिका नक्षत्र का एग्जांपल लिया अभी, कृतिका नक्षत्र बट साइंस आर डिफरेंट, एरी साइन एंड टॉरस साइन, तो ये नाड़ी दोष नहीं माना जाता। ये साथ तीसरा आता है कि अगर साइन सेम हो, नक्षत्र भी सेम हो, लेकिन चरण दोनों के डिफरेंट हो, दोनों के मुंह जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, ये पॉइंट हमने पहले उसमें भी ग्रह राशि दोष में भी डिस्कस किया था शायद, इससे पहले वाला जो था क्या राशि कूट और बकूट कूट, उसमें भी डिस्कस किया था कि नाड़ी अगर वो दोनों की सेम साइन है, लेकिन नक्षत्र डिफरेंट थे, और नक्षत्र सेम है लेकिन क्वार्टर्स डिफरेंट है, चरण डिफरेंट चरण है, फर्स्ट चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, चार चरण होते हैं और चार क्वार्टर होते हैं, वन फोर्थ पार्ट, थ्री डिग्री 20 मिनट, थ्री डिग्री 20 मिनट, थ्री डिग्री 20 मिनट, थ्री डिग्री 20 मिनट, टोटल हो जाता है 13 degrees 20 minutes एक नक्षत्र का टोटल पार्ट। तो नक्षत्र को इस तरह से चार पार्ट में डिवाइड किया, जिससे क्वार्टर्स बोलते हैं, चरण बोलते हैं। तो अगर साइन सेम है, नक्षत्र भी सेम है दोनों के मून के, लेकिन चरण उनके डिफरेंट हैं, तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता, ये बात है। ये तीन पॉइंट हमने डिस्कस किए कि सेम साइन नक्षत्र डिफरेंट, नक्षत्र सेम साइन डिफरेंट, नाड़ी दोष नहीं होता, सेम साइन सेम नक्षत्र लेकिन चरण डिफरेंट हो, कोई चीज़ डिफरेंट तो होनी चाहिए, तो ये तीन चीज़ें तो ही कंसिडर की जाती हैं, कभी नाड़ी दोष नहीं लगता इस केस में, नाड़ी दोष ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। अब सपोज करो नाड़ी दोष है दोनों की, एक ही नाड़ी पड़ती आधी नाड़ी, आधी नाड़ी मतलब दोनों के नक्षत्र सेम है, नक्षत्र डिफरेंट है, लेकिन दोनों नक्षत्र यहाँ पड़ रहे हैं, तो सपोज करो एक कास्ट सुनी है, दूसरे का ब्राइड का या ब्राइड ग्रूम का ज्येष्ठ नक्षत्र, पहला अश्विनी नक्षत्र था, लेकिन दोनों नक्षत्र आधी नाड़ी में पड़ रहे हैं, नाड़ी दोष है, आधिनाड़ी दोष है, आधिनाड़ी दोष अगर होता है तो अफेक्ट क्या होता है, मतलब मैरिज अगर आप ओके कह भी देते हैं कि वो पॉइंट आपके बनने 18 से ऊपर हो गए, 20, 26 and 25 हैं, वट एवर, अगर पॉइंट इतने हैं 27 में, तो आप कह दें मैरिज ओके, चलो 36 पॉइंट में से 25 पॉइंट तो आपके पास हैं, आपकी शादी ओके हो सकती है, लेकिन नाड़ी दोष है अगर, तो इस नाड़ी दोष में आधिनाड़ी दोष है, तो हस्बैंड सफ़र करेगा, ग्रूम बिल सफ़र, ब्राइड ग्रूम बिल सफ़र, इस केस में ब्राइड ग्रूम को दूल्हे को तकलीफ होगी शादी में, ठीक है, कोई भी लाइफ में जब मैरिड लाइफ आएगी तो उस केस में ब्राइड ग्रूम को सफ़र करना पड़ता है, इस केस में नाड़ी दोष का मतलब ये है। थर्ड नाड़ी होती है अंत नाड़ी, अंत नाड़ी का दोष है तो ब्राइड सफ़र करती है, दुल्हन को सफरिंग आती है, कोई प्रॉब्लम अगर आती है लाइफ में तो आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा वाइफ सफ़र करती है, क्या सफर हो सकती है सफरिंग, क्योंकि नाड़ी दोष अलग अलग है, दोनों के माइंड डिफरेंट अलग हैं, मतलब डिफरेंसेस अलग हैं, सफरिंग ज़्यादा वाइफ को आ रही है, वाइफ की फैमिली अफेयर्स, उनके फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, एंड इन लॉज की तरफ से, हस्बैंड के इन लॉज की तरफ से है ना, और इस केस में जब हस्बैंड सफर करता है तो हस्बैंड की प्रॉब्लम अपनी हो सकती है, बॉडी प्रॉब्लम होती है, डिजीज हो सकती है, और अपने पेरेंट्स की उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब फैमिली विच इज जस्ट रिलेटेड टू हस्बैंड, दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल अकर। एंड थर्ड नाड़ी अंत नाड़ी दोष है तो वाइफ को या ब्राइड को है ना, ब्राइड को सफरिंग होगी, वाइफ को सफरिंग होगी लाइफ में, ये नाड़ी दोष का फर्क पड़ता है। और अगर मध्य नाड़ी दोष है, दोनों की नाड़ी सेम ही है, मध्य नाड़ी दोनों की मुंह बीच के नक्षत्रों में पड़ रहे हैं, इनमें भरनी नक्षत्र है, दूसरे का मृक्ष है, या भरनी अनुराधा है, भरनी पूर्व आषाढ़ है, या धनिष्ठा नक्षत्र है, एक का पूर्व फागुनी है, ये पूर्व फागुनी है, चित्रा नक्षत्र है, वगैरह वगैरह, तो मध्य नाड़ी दोष होता है। मध्य नाड़ी दोष में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ सफर करते हैं, इसमें ये मतलब है इसका, पहले में ग्रूम सफर करता है अगर आधी नाड़ी दोष है तो, अगर अंत नाड़ी दोष है तो ब्राइड सफर करती है, बीच का मध्य नाड़ी दोष है तो दोनों को सफरिंग होती है, वाइफ एंड और ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम बोथ विल सफर। तो इस तरह नाड़ी दोष का फर्क पड़ता है, नाड़ी दोष का मतलब मैलिफिसेंस होती है और मैलिफिक पॉइंट होता है लाइफ में, तो इस तरह से नाड़ी दोष को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब नाड़ी दोष के अलावा ये सबसे ज़्यादा पॉइंट ये है कि नाड़ी दोष
कब खत्म हो जाते हैं। सॉरी, एक तो हमने चार पॉइंट डिस्कस किए, वह सेम नाड़ी दोष है, जैसे हमने लिख दिया चार पॉइंट, जब तीन पॉइंट में नाड़ी दोष अगर पहली वाली नाड़ी में है, दूसरी मध्य नाड़ी में है, अंत नाड़ी में, तो कौन सा फर्क करता है, पहला पॉइंट ये होगा। फिर नाड़ी दोष को हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, अगर नाड़ी दोष है, दोनों की सेम साइन है, डिफरेंट साइन सेम है, डिफरेंट नक्षत्र है, तो नाड़ी दोष अफेक्ट ज़्यादा नहीं करता। सेम नक्षत्र है लेकिन साइन डिफरेंट है तो भी नाड़ी दोष अफेक्ट नहीं करता, दोनों की मैरिज लाइफ मतलब विल बी ओके और विल हैव लेस डिफिकल्टीज और मिनिमम डिफिकल्टीज, दिस इज हाउ सफरिंग विल बी मिनिमम। इन दैट केस हम कह सकते हैं भैया ठीक है, ओके है, नाड़ी दोष होते हुए भी ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनकी चरना वो साइन सेम होते हुए नक्षत्र डिफरेंट है, नक्षत्र सेम होते हुए साइन डिफरेंट है, साइन सेम है, नक्षत्र भी सेम है, लेकिन चरण डिफरेंट है, दोनों के मून जो हैं डिफरेंट डिग्री पे पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिग्री होल्ड करते हैं, नक्षत्र सेम है लेकिन और राशि भी सेम है लेकिन नक्षत्र लेकिन चरण डिफरेंट है, मीन्स क्वार्टर डिफरेंट है, तो नाड़ी दोष का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैनिफेस्टेंस ज़्यादा नहीं होती है, पॉइंट तो जीरो ही मिलेगा नाड़ी दोष होने पर, नाड़ी दोष का पॉइंट मतलब जीरो, नाड़ी दोष नहीं है, एक की नाड़ी आधे है दूसरे की मध्य है या पहले की आधे है दूसरे की अंत है, एट एट पॉइंट होगा, इस तरह से नाड़ी दोष होता है सेम नाड़ी होने पर जीरो जीरो पॉइंट, जैसे हमने ये टेबल बना दी है, तो सेम नाड़ी होने पर दोष होता है, नाड़ी दोष बोलते हैं इसको, जीरो जीरो पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से नक्षत्रों के ये नक्षत्र पर बेस्ड होता है अंत नाड़ी, तो हमने देखा कि दोनों की जो मून होती है हस्बैंड एंड वाइफ के और ब्राइड एंड ब्राइड रूम के, तो दोनों की मून की लिटिल मून पोजिशंस को देख के ही ये जितने भी आपके गुण 36 में से आउट ऑफ 36 कितने गुण मिलते हैं भाई इनको, ये गुण गुण का डिसीजन लिया जाता है, इन गुण को मैचिंग की जाती है इस पर मून साइन पर, मून किस में बैठा हुआ है, किस साइन में बैठा हुआ, दोनों का मून नेटिविटी यानी दोनों की जो बर्थ हॉरोस्कोप्स हैं, जन्म कुंडलियों में बेसिक जो जन्म कुंडली है, जन्म के टाइम पर जो कुंडली बनाई गई दोनों की हस्बैंड वाइफ की, तो उन दोनों की कुंडलियों में मून कहाँ बैठा हुआ है, इसे कहते हैं नेटल मून पोजिशन और नेटिविटी और मून पोजिशन इन द नेटिव हॉरोस्कोप्स और बर्थ हॉरोस्कोप्स ऑफ बोथ, उसको देख के मून की पोजिशन को देख करके ही ये गुण दिए जाते हैं, इन गुण का डिसीजन होता है, कुट मिलन बोलते हैं इसको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में मून की पोजिशन होती है, क्योंकि मून की पोजिशन कोई देखते ही शादी करते हैं और शादी में भी बाकी चीज़ें देख जाती हैं, क्योंकि मैचिंग ऐसे नहीं है, लॉन्जिविटी देखना होता है, लाइफ सही है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले नॉट ओनली 36 गुण मिलाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करूँगा, 6 लगभग 7 पॉइंट और होते हैं। सबसे पहले हम लॉन्जिविटी देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड की या वाइफ की दोनों में से ब्राइड या ब्राइड ग्रूम की किसकी लाइफ कम है, सफरिंग होगी, विडोहुड आ जाएगा या विडोहुड सफ़र करना पड़ेगा, तो विडोहुड किसकी कुंडली में है, कौन ख़त्म हो जाएगा या कौन नहीं होगा, एंड ये सब चीज़ देखी जाती है सबसे पहले मैचिंग करते समय, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो यही है। दूसरा होता है आजकल तो बहुत सारे पॉइंट देखे जाते हैं, क्योंकि पीपल पुट द डिफरेंट कैटेगरीज, ये देखिए सब इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं, पैसा कमा सकता बच्चा कि नहीं, पैसे का योग है, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारी पॉइंट हो जाते हैं। अदरवाइज इन द एंशियंट टाइम लोग क्या करते थे, सिंपल गुण मिला दिए, हो गया जी सारी ओके, लेकिन इस केस में यहाँ पर स्ट्रेंथ देखी जाती है, हॉरोस्कोप में दम है कि नहीं, हस्बैंड वाइफ के दोनों में से हॉरोस्कोप जब देखा जाता है तो हु हैज़ द मोर स्ट्रेंथ इन हिज हॉरोस्कोप, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इज देयर, मेंटल पोजिशन अच्छी है, बैनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि नहीं, पोजिशन गवर्नमेंट जॉब की प्राइवेट जॉब की कैसी है, दोनों की स्ट्रेंथ इस तरह से पॉइंट देखे जाते हैं, यानी देर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन विच इट इज द डिसीजन इज टेकन फॉर मैचिंग द हॉरोस्कोप, लाइफ सही है कि नहीं, विडोहुड होगी या स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वाइफ की हस्बैंड की सॉरी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं उनकी पोजिशन कैसी है, अच्छी है कि नहीं, हस्बैंड के लिए अच्छी होगी नहीं, वगैरह वगैरह लोग बहुत सारी डिमांड करते हैं। इस तरह से मैचिंग करना काफ़ी प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम, अदरवाइज ऑल दीज जो 8 पॉइंट्स होते हैं मैचिंग करने के जो गुण मिलाए जाते हैं उन गुणों को हम देख करके, पहले तो पॉइंट यही हम बता देते हैं भैया 36 में से इतने गुण मिलते हैं, 20 प्लस हैं, 25 हैं, 30 हैं, 30 प्लस हैं, बहुत अच्छी बात है, मैचिंग अच्छी हो रही है, लेकिन बाकी और चीज़ देखी जाती हैं दोनों की हॉरोस्कोप को, हॉरोस्कोप में लॉन्जिविटी है कि लाइफ कितनी है दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, क्या दोनों में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी, कितना धन योग है दोनों की कुंडली, किसका बेटर कुंडली है, दोनों की स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है ना, किसका पीरियड टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है,
किस टाइम पीरियड में दोनों को शादी करनी चाहिए, क्या अच्छा पीरियड आने का टाइम है कि नहीं अभी हस्बैंड वाइफ का. बिगेस्ट डिफरेंस वेरियस आई मीन पॉइंट्स आर देयर ऑन विच डिसीजन इज बीइंग टेकन दिस डेज. पुराने टाइम पर तो सिंपल गुण देखा, छत्तीसगढ़ में से कितने गुण मिल जाते हैं, शादी हो गई, ओके ओके. लेकिन आजकल तो इतने सारे पॉइंट देखे जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, लॉन्जिविटी, यानी विडोहुड, फैन और कितनी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, पेरेंट्स की कैसी पोजिशन. हॉरोस्कोप कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट योर पेरेंट्स लाइफ, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स एक्सेट्रा. मैरिड लाइफ कैसी होगी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी कि नहीं होगी, आपकी लाइफ कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, वाइफ को आपको वाइफ से आपको सफरिंग है या वाइफ को हस्बैंड से कितनी सफरिंग है, क्या होगा, एवरीथिंग इज बीइंग डिस्क्राइब. सो दिस इज दिस टेक टाइम. इस तरह से हम डिसीजन करते हैं मैचिंग करते समय. ये एक वन ऑफ द बेसिक पॉइंट है. वैसे तो 36 पॉइंट में से कितने पॉइंट आपको कितने गुण मिलते हैं, इन गुण पर डिसीजन दिया जाता है मोस्टली तो. लेकिन बाकी चीज़ें और भी देखी जाती हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुण देखा आपने और बता दिया भाई शादी, ओके. बाद में और देखते हैं स्ट्रेंथ है कि नहीं, लाइफ में पोजिशन कितनी. अगर लाइफ ही नहीं है आपकी, टाइम पीरियड भी अच्छा नहीं मिल रहा हस्बैंड को, क्योंकि सबका डेस्टिनी का जो टाइम होता है, डेस्टिनी वर्ड इज डेस्टिनी. अगर आपकी लाइफ का प्रॉपर टाइम आपको टाइम से मिल गया, एग्जैक्ट टाइम, अभी जब आपकी स्टडी का टाइम है तो स्टडी का टाइम मिल गया, स्टडी प्लैनेट है आपकी हॉरोस्कोप में उसी का टाइम इस्तेमाल चल रहा है, तो आप देखेंगे आप अलार्मिंग पोजीशन में, आपके अच्छे मार्क्स आते जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम. यू विल स्कोर वेरी हाई मार्क्स, राइट. अच्छी स्कोरिंग होती हुई, अच्छी प्लेसमेंट भी हो जाएगी आपको टाइम से मिल गया. तो अगर वही टाइम स्टडी का टाइम जो था वो निकल गया, उस समय आपका प्लैनेट बाद में मिलता है उसका पीरियड, नाउ योर स्टेज ऑफ स्टडी इज नॉट देयर, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आ जाती हैं बहुत सारी, और रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं. तो इस तरह से ये डेस्टिनी होती है, वी कैन नॉट चेंज इट. टाइम पीरियड आपका सही है कि नहीं, लेकिन मैचिंग करते समय ये सब चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ का दोनों का टाइम पीरियड बहुत अच्छा चलेगा लाइफ में. इस पीरियड में दोनों की अच्छी प्रोग्रेस होगी, स्ट्रेंथ है लाइफ में, और मकान का पोजिशन है, स्ट्रेंथ है, यानी हाउस दे कैन बिल्ड, दे विल हैव देयर ओन हाउस, दे विल हैव देयर ओन व्हीकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दोनों की हॉरोस्कोप को अलग से आप देख करके आप मेजर कर सकते हैं दोनों की कुंडलियों में स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है और किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी हॉरोस्कोप में व्हीकल का योग है, प्रॉपर्टी का योग है, किसका फॉरेन ट्रेवल करने का है, यानी कितनी डिग्रियां आप ले सकते हैं. स्टडी का पीरियड आपको बहुत अच्छा है, टाइम पीरियड अच्छा मिलेगा, और कौन ज़्यादा पावरफुल है दोनों में से, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं. इसलिए मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप इज़ नॉट अ सिंपल टास्क, इट टेक्स टाइम, बट इट इज़ वेरी सिस्टमेटिक. As I just told you that it's scientific study. Okay, this differentiation of both husband and wife positions or strength or moon positions in both the birth horoscopes is classified in a scientific manner. This kind of discussion, this kind of study, this kind of verification is not found elsewhere in the world. Let me tell you about Vedic astrology only having this kind of discussion, how matching is done of husband and wife, both I mean couple. Both boy and girl or bride and bridegroom, their matching of horoscopes is done in a classical manner. This is how the classic study is there in this case. Nobody else can tell you in any other studies except Vedic astrology. Right? In Western astrology, we cannot decide about what the matching of both the horoscopes. We can just say that, okay, this is then that. Only the psychological discussion can be done. But prediction type of everything cannot be described with other things of studies, right? Only Vedic astrology can tell you about these kind of things. So I know that you might have enjoyed this, okay, discussion of mine, all the 8 points. We see all the 8 points together so that you can differentiate it, how the first point, the Varnakuti is matched, how the Varnakuti is decided about. Then second is Vashikuti, how Vashikuti is there, which horoscope or which planet is, which moon is power, is under the control Vashya, or it is okay, it is not a Vashya, but a damaging one, right? Or Bhakshi one, Bhakshi or Vashya, that is decided in the second point. So, Varnakut, Vashyakut, Tarakut, Yonikut, then fifth one is Grahakut, Maitri, Grahamaitrikut, right? And this is the fifth one. Sixth one was Ganakut, right? Which one, Rakshasgan, Devgan or Manushgan, in which Ganas you are having. So, moon position is in which Gana. If they have the same Gana, very
made for each other. Both have, both will have married lives of full married life. I mean, very happy married life, right? Or made for each other. That kind of situation is there. If both have the same ganas, Dev gun, Rakshas gun, Manushya gun. But if different positions are there, then suffering will be there, right? For Rakshas gun, Dev gun, fighting will always be there in life, lifelong. No, happiness will be there. Happiness of mental positions, and mentally they will not be satisfied. Reason is both are different in different directions. This is how fighting will go on. This is how that was your.